हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस तिथि का बहुत खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए निकलती है, जिस कारण सभी लोग इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करते हैं। इस दिन चावल की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का भी बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। आज हम जानेंगे साल 2020 की शरद पूर्णिमा की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चंद्र दोष और कर्ज से मुक्ति पाने के कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं हर बार कहती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी फसलों, वृक्षों और वनस्पतियों में अमृत वर्षा करने वाली पवित्र तिथि शरद पूर्णिमा का पर्व 30 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा का मान 31 अक्टूबर को भी है, किंतु यह तिथि 30 अक्टूबर को प्रदोष व्यापनी यानी कि निशित व्यापनी दोनों हैं। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में चंद्रमा द्वारा की जाने वाली अमृत वर्षा के लिए आवश्यक तिथि इसी दिन है। इसलिए बगैर किसी संशय के शरद पूर्णिमा शुक्रवार को ही मनाएं। इस दिन अगस्त तारे के उदय और चंद्रमा की 16 कलाओं की शीतलता का संयोग देखने लायक होता है। यह पूर्णिमा सभी 12 पूर्णिमाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसी दिन भगवान कृष्ण महारास रचाना प्रारंभ करते हैं। देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि गोपिकाओं के अनुराग को देखते हुए भगवान कृष्ण ने चंद्र से महारास का संकेत दिया था। चंद्रमा ने भगवान कृष्ण का संकेत समझते ही अपनी शीतल रश्मियों से प्रकृति को आच्छादित कर दिया था। उन्हीं किरणों ने भगवान कृष्ण के चेहरे पर सुंदर रोली की तरह लालिमा भर दी। फिर उनके अनन्य जन्मों के प्यासे बड़े बड़े योगी, मुनि, महर्षि और अन्य भक्त गोपिकाओं के रूप में कृष्ण लीला रूपी महारास ने सम्माहित हो गए। कृष्ण के वंशी की धुन सुनकर अपने अपने कर्मों में लीन सभी गोपियाँ अपना घर बार छोड़कर भागती हुई वहाँ आ पहुँची। कृष्ण और गोपिकाओं का अद्भुत प्रेम देखकर चंद्रमा ने अपनी सौम्यमय किरणों से अमृत वर्षा शुरू कर दी, जिसमें भीगकर यही गोपिकाएं अमृता को प्राप्त हुई थी और भगवान कृष्ण के अमर प्रेम का भागीदार बनी। चंद्रमा की सौम्यमय रश्मियाँ जब पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर पड़ी तो उनमें भी अमृतत्व का संचार हो गया। इसलिए इस दिन खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे मध्य रात्रि यानी कि आधी रात को खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखनी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा की किरणों से जो अमृत वर्षा होती है, उसके फलस्वरूप यह खीर भी अमृत के समान हो जाती है। उसमें चंद्रमा से जनित दोष शांति और आरोग्य प्रदान करने की क्षमता आ जाती है। यह प्रसाद ग्रहण करने से प्राणी मानसिक
क्लांति से मुक्ति पा लेता है। अब जानते हैं चंद्र दोष से मुक्ति पाने के उपाय। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो, महादशा, अंतर्दशा या पर्यंत दशा चल रही है तो, या चंद्रमा छठवें, आठवें या बारहवें भाव में हो तो चंद्रमा की पूजा और मोती यानी कि स्फटिक माला से ओम सोम सोमाय इस मंत्र का जाप करके चंद्र जनित दोषों से मुक्त हुआ जा सकता है। और जिन्हें ब्लड प्रेशर हो, पेट या हृदय से संबंधित बीमारी हो, कफ नजला जुखाम हो या आँखों से संबंधित कोई बीमारी हो तो वे इस दिन चंद्रमा की आराधना करके इन सब दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वे भी चंद्रमा के दिन चंद्र यंत्र धारण करके परीक्षा या प्रतियोगिता के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस पूर्णिमा सभी प्रकार के ऋण रोग और दरिद्रता से मुक्ति दिलाने का ये सामर्थ्य है। अब जानते हैं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, विजयदशमी के दिन व्रत पारण के बाद भगवान विष्णु की परम प्रिय एकादशी के दिन प्राणियों की पूजा आराधना का फल और उनके कर्मों के आधार पर दिया जाता है। जिसके पाप कर्मों पर अंकुश लग जाता है इसलिए इसे पंपाकुशा एकादशी भी कहते हैं। पापों पर अंकुश लगने के बाद पूर्णिमा को माता महालक्ष्मी का धरती पर आगमन होता है, यानी कि पंपाकुशा एकादशी के बाद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और वे घर घर जाकर सबको वरदान देती हैं। किंतु जो लोग दरवाज़ा बंद करके सो रहे होते हैं वहाँ से लक्ष्मी जी दरवाजे से वापस ही चली जाती हैं। शास्त्रों में इसे कोजागर व्रत यानी कि कौन जाग रहा है ये इस नाम से भी इस व्रत को जानते हैं। इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस रात्रि को श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और भगवान श्री कृष्ण का मधुराष्टक पाठ का ये इनमें से मैंने मतलब जो पाठ बताए इनमें से आप कोई भी पाठ कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी पाठ का आप जाप करेंगे तो उस कार्यों में सफलता मिलती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। और जो भी भक्त मधुराष्टक यानी कि कृष्ण भगवान का मधुराष्टक पाठ का जाप करता है या श्री सूक्त कनक धारा स्तोत्र विष्णु सहस्त्रनाम इनमें से कोई भी पाठ करता है तो उस भक्त को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिलता है और चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2020 में अश्विन शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वो 30 अक्टूबर शुक्रवार को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 30 अक्टूबर शाम के 5:45 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 31 अक्टूबर शाम के 8:18 पर। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय होगा 30 अक्टूबर शाम के 5:11 पर। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि की सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करें। भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें अक्षत रोली से तिलक करें। तिलक के बाद सफ़ेद चावल की खीर से भोग लगाएं। पूजा में माँ लक्ष्मी जी को उनके प्रिय लाल रंग के गुलाब के फूल अर्पित करें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा की भी पूजा करें और भोग वाली खीर को छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर अगली सुबह स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और ये प्रसाद सभी में वितरित करें। घर के सभी सदस्यों में मतलब ये प्रसाद
सभी ने खाना चाहिए, इससे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा के नियम। ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है। इस बार शरद पूर्णिमा शुक्रवार के शुभ दिन पर आ रही है, जो कि माता लक्ष्मी की आराधना का ही दिन है। इसलिए यदि आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं वे बातें कौन सी हैं। इस दिन घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ें या भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा इस दिन वातावरण में चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज हो रहता है, इसलिए ऐसे में पूर्णिमा के दिन क्रोध युक्त बिल्कुल ना करें, यानी कि क्रोध नहीं करें। घर में शुद्धता बनाए रखें, घर में शांति का माहौल बनाए रखें। इसके अलावा चंद्रमा का धरती के जल से संबंध माना गया है चंद्रमा का, तो हमारे शरीर में लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं, इसलिए इस दिन जल की मात्रा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप इस दिन विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। और इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की आराधना करना भूलना नहीं चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। यानी कि अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और इस जानकारी को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। लाइक करने में दोस्तों पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, तो कंजूसी ना करें लाइक करने में। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय माता दी, हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण की जय।